वाला नज़ारा देख रहे हैं वो बहुत ही हसीन नज़ारा है। बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है आज आप लोगों के लिए। वो स्पेशल ब्लॉग क्यों है, वो इसलिए स्पेशल ब्लॉग है कि जिम ज्वाइन कर लिया था लेकिन सब मुझे बोल रहे थे यार ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। अच्छा जी ब्लॉग नहीं आया तो चलो जी ब्लॉग बनाते हैं और करते हैं गपशप, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी हंसी मजाक दिखाते हैं जिम को भी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया लाइक शेयर फॉलो करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। चलो चलो जो सारा एरिया देख रहे हो ये सारा मैनुअल का एरिया है, ठीक है। इसकी फीस अलग है, इसकी फीस अलग है, इसकी फीस अलग है, और जो यहाँ पे मशीनें हैं उसकी फीस अलग है। सही है, मशीनों में क्या क्या आ जाएगा, साइकिलिंग आ जाएगी, ट्रेडमिल आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सही है, योगा में आप लोग को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सही, यहाँ पे क्लास होती है बाकायदा। सही है, फीमेल्स की, फीमेल्स की टाइमिंग है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 10 से लेके 12 बजे तक, ठीक है, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो मैंने भी किया है जिम, ये देखो, और इसकी फीस है अलग। ये सारा कार्डियो और मैनुअल है, ये सारा, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं इसमें, वेट्स मौजूद हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ब्लॉग्स में आगे बताती रहूंगी कि यार किसके लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है। ये आर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो है किस लिए इस्तेमाल होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये किस लिए इस्तेमाल होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे लड़कों का टाइमिंग अलग है, लड़कियों की टाइमिंग अलग है, लड़कों की टाइमिंग मैं मेंशन कर दूंगी। ये भी हाथ की एक्सरसाइज है, सारी जबरदस्त एक्सरसाइजेस हैं, मशीनें A1 मशीनें हैं, आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो। ये लोकेटेड है बिन सफी के आगे, मैं एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को बता दूंगी। ये देखो ये लगी हुई सीट, हवा लो आराम से इंजॉय करो, ठीक है। ये है, सही है, वेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये एक मशीन है, मशीनें बहुत सारी हैं, किस लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये ट्विस्टर मौजूद है, किस लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है कि जिम के ऑनर से जो है आप लोग की मुलाकात करवा दूं मैं। जिम करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं आज आपको जिम की चीज़ें बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है। और हम करेंगे थोड़ी सी मेहनत, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो सारा ये कैडमिल और साइकिलिंग का एरिया है। सही है, इसकी फीस मैं आप लोग को एंड में बताऊंगी,
बेस्ट जिम है। अगर आप लोग रहते हैं जौहर में तो जौहर में आप लोग की बहुत बेस्ट एरिया है, बहुत बेस्ट जिम है ये। आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। फ़ायदा किस तरह उठा सकते हो, बेस्ट यहाँ की जो ऑनर है वो भी बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है। और मेरे पीछे देखो ये सारा जो एरिया है ना वो सारा है ट्रेडमिल है, ठीक है। करीब से जाके दिखाती हूँ मैं, ये आप लोग साइकिलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेडमिल्स, तीन तीन ट्रेडमिल्स रखी हुई हैं जौहर में रहते हुए। यार अगर आप लोगों ने यहाँ विजिट नहीं किया ना तो कुछ विजिट नहीं किया। ये साइकिल्स रखी हुई हैं, ये स्टेयर्स रखी हुई हैं, फुली एसी, फुल एसी वाला जिम है यार। गर्मी में जो है ना आप लोग जिस चीज़ की डिमांड करते हो ना, वो डिमांड क्या है यार, गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, जिम अच्छा होना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। तो आओ सबसे पहले तो हमने ये देखा, ठीक है। ये मेरा स्टैंड रखा हुआ, इसको मत देखना। ये रखे हुए हैं मशीनें रखी हुई हैं जिसकी फीस मैं आपको एंड में बताऊंगी। और ये एरिया अलग है, ठीक है। ये एरिया अलग है, यहाँ क्लास होती है, ये एरिया बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले विजिट करते हैं इस एरिया का। इस एरिया को तो हमने विजिट कर लिया, इस एरिया को विजिट करते हैं। आओ जरा चलो, ये देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें रखी हुई हैं। किसी को अगर घुसा मारना है ना तो पंच भी रखा हुआ है। तो यार चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये हूँ मैं आपकी प्यारी प्यारी निम्रा। तो कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, सही है, जिम मैट्स रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। फुली एसी वाला जिम है, ठीक। ये स्टेप्स रखे हुए हैं, ये भी बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को देखने के लिए बड़े ज़बरदस्त शीशे लगे हुए हैं। तो आओ और विजिट करो गुलिस्तान जौहर में, ये है, ठीक है। पहले तो ये विजिट भी करा देती हूँ आप लोगों को मैं। आज जो मैं आप लोगों को टूर करवा रही हूँ ना, वो अपने जिम का टूर करवा रही हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त है, टमी के लिए है, ठीक है। आगे आगे मैं बताती रहूँगी कौन सी किसके लिए है, किस तरह की है। अभी तो आप लोग इसकी वीडियोज़ देखेंगे। तो ज़बरदस्त जिम जो है वो मेरे मौजूद है, ये पीछे आप देखो, ये ज़बरदस्त जिम आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने अपना वेट कम किया है, आप लोग भी अपना वेट कम करके और बहुत अच्छे अच्छे पैर पैर लग सकते हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना 10 kg वज़न कम किया है इसी जिम में रहते हुए, खूब सारी बॉक्सिंग करते हुए, खूब सारे गेम्स खेलते हुए। ये जो चीज़ है ये आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि यहाँ पे लड़कों का टाइम, लड़कियों का टाइम डिफरेंट है, सही है। लड़कियों का क्या टाइम है, लड़कियों का टाइम है 10 से लेके 12, ठीक है। और 10 से लेके 12 और 2 से लेके 5 तक, तो आप लोग आ सकते हो। ये देखो ये टाइमिंग है, सही है। जिम का आज ये ब्लॉग बन रहा है मेरा ज़बरदस्त सा, आओ इन्जॉय करो, बहुत ही ज़बरदस्त जिम है ये, सही है। मैंने तो कर लिया जिम ज्वाइन, और आप भी आओ, आप भी जिम ज्वाइन करो। यहाँ की जो ऑनर हैं उनका नाम है अज़रा, और लिटरली बहुत ही अच्छी है वो, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होती, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जिम का जो नाम है, लोग मुझसे पूछो तो यार आपका जिम का क्या नाम है, जिम का क्या नाम है। अभी मैंने सॉन्ग्स बंद किए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि ब्लॉग बनाना है तो ज़रा बंद कर दिए जाएँ। अच्छा, जिम का जो नाम है ना वो ये है, सही है। ये लोकेटेड है गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 14 लगता है शायद, ये बिन सफ़ीर से 2 गली आती, डोमिनोज के पीछे ही है, तो आप लोग आ सकते हो। अच्छा, मैं बताऊंगी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारा आप लोगों को बताऊंगी कि यार कौन सी चीज़ है ना अच्छी है और कौन सी चीज़ है ना अच्छी नहीं है। अच्छी सब कुछ है माशाल्लाह से, ठीक है। ये सारे वेट्स वगैरह रखे हुए हैं, सही है। और ये रही मैं प्यारी सी, ये सारे वेट्स रखे हुए हैं। अच्छा, कौन सी मशीनें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये आपको मैं टिप ज़रूर दूंगी। ये स्टमक के लिए है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि यार कौन सी चीज़ है ना किसके लिए होती है इस्तेमाल, कौन सी चीज़ कौन सी। चलो जी, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ तुम लोगों को
जिम का क्या फ़ायदा है, ठीक है। और देखो मैं ना आज जिम होता नहीं है, सही, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना तुम लोग की वजह से आई हूँ और तुम लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। ठीक है यार, फुल हाईली रिकमेंडेड है ये जिम। आई होप सो आप लोग मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि फैंस चल रहे हैं, एसी चल रहा है, तो मुझे जो है ना आवाज़ ज़रा थोड़ी सी हो रही है ना। लेकिन ये है कि चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टेप। सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐसे खड़े होना है, ठीक है, कभी भी जो है ना, कभी भी ना, कभी भी ऐसे नहीं खड़े होना इस पे। ये देखो, हमेशा क्या करना है आपने, ऐसे खड़े होना है, ये देखो, ताकि ट्रैक में अगर चले ना तो आप लोग पीछे जाके गिरो नहीं। सबसे पहले ये टिप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी चलेगी, ओ स्टॉप कर दिया। देखो चल गई, ठीक है। अब मैंने स्पीड बढ़ाई, मेरी जिम की आने इतनी अच्छी है, मैंने कहा मुझे ना अपने फैमिली के लिए ना ब्लॉग बनाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है निम्रा तुम आ सकती हो और सैटरडे को ब्लॉग बना सकती हो। तो ये सारी मेहनत तुम लोगों के लिए, ये देखो मैं चल रही हूँ, सही है, हाईली रिकमेंडेड है ये जिम। एक तो सफाई बेस्ट है, हाइजीन बेस्ट है, मैं साथ चलती जा रही हूँ और तुम लोग से बातें भी करती जा रही हूँ, तो ये हाइजीन के लिहाज से बेस्ट है, ठीक है। अभी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अभी कर दिया हमने स्टॉप, क्योंकि मैंने जस्ट दिखाना था आपको। आगे आगे जो ब्लॉग आएंगे ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं, वो क्यों आने वाले हैं, वो इसलिए आने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं जिम की आप लोगों को बताऊंगी, गाइड करूंगी कि यार ऐसे करते हैं जिम, ऐसे करते हैं। आज जिम पूरा खाली है, ठीक है। ये रही मैं, मैंने अपना 10 kg वेट लूज किया। तो क्या इंतज़ार कर रहे हो यार, घर पे बैठे बैठे जो है खाना शाना बस कर दो यार, आओ जिम ज्वाइन करो, बहुत ही ज़बरदस्त जिम है। यहाँ पे लॉकर्स भी अवेलेबल हैं, आप लोग लॉकर्स भी ले सकते हो, ठीक है। सबने बोला था यार तुम जिम नहीं ज्वाइन कर सकती हो, और ये सबसे फेवरेट है मेरी, इसको ऐसे करके हम ऐसे करते हैं, ये पेट की एक्सरसाइज है। तो मैं एक हाथ से जो है ना एक्सरसाइज कर रही हूँ और एक हाथ से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसको कैसे करते हैं। लेकिन अगर इसको करने का तरीका आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग आगे ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, सही है। और जिम से रिलेटेड जो चीज़ पूछना चाहते हो वो कॉमेंट सेक्शन में बता दो, मैं जिम का नंबर भी सेंड कर देती हूँ, बहुत ही मुनासिब पैसों में आपको जो एक ही जगह रहते हुए इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, सही है, इतनी अच्छी आपको जगह मिल रही है, सारी मशीनें A1 मिल रही हैं। मैंने एक ही मशीन पे ऐसा ना जंग देखा ना कोई चीज़ देखी, इतनी साफ सुथरी मशीन है कि लिटरली मेरा दिल आ गया कि मैं इंशाल्लाह जब जिम बनाऊंगी ना अपना तो ऐसे ही बनाऊंगी। लेकिन मुझे जिम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से जो यहाँ की ऑनर है उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छा सलाम दुआ हो गया मुझसे, तो मैं तो बड़ी ही सेटिस्फाइड हूँ इस जिम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लिटरली यहाँ रहते हुए विद इन 1 week, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, ये देखो विद इन वन वीक जो है ना मैंने अपना वेट लॉस किया है, और लिटरली मैंने 10 kg यार बहुत बड़ी बात होती है, 10 kg मैंने अपना लूज किया है इस जिम में रहते हुए। ये जिम बहुत अच्छा है, बेस्ट फॉर फीमेल्स। अच्छा, जिम की तो हो गई बहुत सारी बातें, ठीक है, ये अब है कुछ यहाँ पे जो होती है ना वो एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज क्या होती है, क्लास होती है, यहाँ हम लोग खूब डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं और अपना फुल जो है ना वजन
गिराते हैं। तो अभी आओ और ये वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, अपलोड करूंगी बहुत जल्दी ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वॉल्स इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं कि लिटरली ज़बरदस्त सीन है। अच्छा यहाँ पे ये देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि लॉकर्स मिल जाते हैं, तो लॉकर्स मौजूद हैं। प्रोटीन शेक जिसको चाहिए वगैरह वो उनका मैं नंबर दे दूँगी और वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। बहुत ही साफ सुथरा अच्छा हाइजीन जिम, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, बेस्ट फॉर फीमेल्स है। सही है, देखो बहुत ही साफ सुथरा है। तो ब्लॉग मेरा कैसा लगा? आई होप सो आपको आज का ये जो ब्लॉग है मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आज सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं है, सिर्फ मैंने दिखाई है अपना जिम जो है ना, वो सिर्फ दिखाया आप लोगों को। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी, एक्सरसाइज भी बताऊंगी कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं। और नाम देख लो तुम लोग, ये है नाम, पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आई थी असल में नहा के, सही है नाम देख लिया तुम लोगों ने, सही। ये भी दिखा दूं, सही है। हाँ पसीना रिटायर है, गर्मी है, पसीना है कि शिद्दत है। फिर कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की और मैंने सिर्फ जो है लोग अपना जिम और विजिट करवाए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार जिम तो विजिट करा दें, अपना जिम तो विजिट करवा दें। मैंने कहा चलो जी अपना जिम विजिट करवाऊँ, मैंने अपना जिम विजिट करवा दिया। कैसा लगा मेरा जिम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। अब मैं निकलती हूँ इस जिम से, ठीक है, क्योंकि जिम का ब्लॉग बना लिया है मैंने। और इंशाल्लाह मंडे को जो है हो सकता है छोटे छोटे क्लिप्स बना के आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। कि देखो यार एसी खोले हुए हैं, सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। तो आप लोग आओ, और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है जी। तो मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड आई होप सो आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर फॉलो करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। बहुत काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज। मैंने कहा तुम लोगों को जिम दिखाऊँ अपना, मुझे ये था कि यार मैं तुम लोगों को अपना जिम दिखाऊँ कि मैं कौन से जिम में जो है ना कर रही हूँ जिमिंग, और किस तरह मैंने अपना वेट लॉस किया। डाइट मिलती है, डाइट चार्ट को फॉलो करो, बेस्ट है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। आया हूँ तो आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर फॉलो करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ नहीं बात, सब कुछ नहीं रेसिपीज के साथ। जब तक मुझको दें इजाज़त, अब तक बहुत सारा कह दो, मैं याद रखिएगा, जिम को भी कह दो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।